नमस्कार। तो हम चैप्टर देख रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और इसमें हमने पिछली बार देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसमें पहला लॉ देखा था कि अगर हम 8m को 8n से मल्टीप्लाई करें, मतलब बेस अगर सेम हो गए तो पावर्स ऐड हो जाएगी। मींस 8m इनटू 8n, दिस विल बिकम इक्वल टू 8m+n। ठीक है, अब हमारे हैं दूसरे लॉ पे। दूसरे लॉ पे अगर 8m को 8n से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो गई थी, यहां पे डिवाइड करने पे पावर सब हो जाएगी। सो लेट अस कम टू सेकेंड लॉ। तो डिवाइडिंग पावर्स विथ द सेम बेस, तो हियर 8m डिवाइडेड बाय 8n विल बी इक्वल टू 8m-n। अब देखिए, अगर हमारे पास में सपोज 2^5 को 2^3 से अगर हमको डिवाइड करना हो, तो 2^5 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और अपान में 2^3 इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, अब यहां पे ये तीन टूज, ये तीन टूज कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब बचा क्या? बचा यहां पे 2^2, मतलब 2 square। लेकिन ये स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 को इन टर्म्स ऑफ 5 और 3 अगर लिखना है तो 5-3 लिख सकते हैं। मतलब यहां पे ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। तो इसके प्रूफ के अंदर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है 8m डिवाइडेड बाय 8n, इसको लिख सकते हैं 8m/8n। लेकिन 8m मतलब a × a × a × m times, फिर 8n a × a × a × n times। लेकिन जैसा हमने यहां पे देखा कि ये 2 कैंसिल हो गए, इसी तरह से इसमें से कुछ ए कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे कितने ए, m-n एज बच जाएंगे। तो यहां पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ए कैंसिल होंगे और a × a × a m-n एज यहां पे बच जाएंगे, तो जिसको हम लिख सकते हैं a²m-n, मीन दिस विल कम राइट हैंड साइड। ठीक है, तीसरा लॉ ये है 8m/n, यहां पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, मींस दिस विल बिकम 8m×n। तो अब देखिए, यहां पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें 8m/n, इसका मतलब क्या होगा, ये 8m n टाइम्स लिखेंगे, मीन दिस इज 8m×8m×8n, और कितनी बार, क्योंकि यहां पे पावर n है तो दिस विल बी n टाइम्स। अब ये कितनी बार आ रहा है, तो दिस विल बिकम 8m×n, क्योंकि ये n बार आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज राइट हैंड साइड। तो आप याद रखिए, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और पावर की पावर लेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट। अब यहां पे एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो यहां पे अगर a की पावर m, यहां पे बेस a है,
और बी की पावर एम, तो ये एम तो सेम है लेकिन बेसिस ए और बी हैं, सो दिस विल बी ए इंटू बी होल टू दी पावर एम। ठीक है, अब इसके प्रूफ के अंदर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, एल एच एस इज ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम। ए टू दी पावर एम का मतलब होता है ए ये एम टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, और बी टू दी पावर एम का मतलब होता है बी ये एम टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब है इसमें से एक ये ए एक ये ए और बी ये साथ में ले लें तो ये ए बी साथ में ले लिया, फिर दूसरा ये ए और ये बी इनको साथ में ले लिया, फिर तीसरा ये ए और ये बी इसको साथ में ले लिया, ऐसे हम इसको साथ साथ में लेते हुए ये भी m टाइम्स है और ये भी m टाइम्स है तो ये m टाइम्स आ जाएगा। और जब ये ब्रैकेट्स मतलब a इंटू बी खुद m टाइम्स आ रहा है मतलब इसकी पावर m हो जाएगी, सो दिस इज a इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी एम टाइम्स, सो दिस विल बी ए इंटू बी टू दी पावर एम इन दिस विल बी आर एच एस, राइट। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर बी टू दी पावर एम, दिस विल बी ए अपॉन बी होल टू दी पावर एम, है ना। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में हुआ बिल्कुल ऐसे ही डिवीजन के अंदर भी होता है। फिर नंबर विथ एक्सपोनेंट जीरो, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होगी तो वो नंबर वन के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको करने के लिए हमने सेकंड लॉ देखा कि a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, ये होता है, है ना, ये सेकंड लॉ में हमने देखा। अगर हम यहां पे m इज इक्वल टू n कर दें, इफ m इज इक्वल टू n मतलब m की जगह अगर हम n लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू ये हो जाएगा a टू दी पावर n माइनस n। ठीक है, यहां पे इससे ये कैंसिल हो गया, वन बचा तो वन इज इक्वल टू यहां पे a की पावर n माइनस n मतलब a टू दी पावर जीरो, तो ये देखिए ये प्रूव हो गया कि ए टू दी पावर जीरो ये वन होगा। तो ये हम सेकंड लॉ का यूज करके और इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नाउ एग्जाम्पल, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग 2 एज बेस, तो हमको बेस 2 चाहिए और इसकी पावर लिखनी है। अब देखिए कैसे करना है इसको, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ये क्या होता है 8 टू दी पावर 4, क्योंकि चार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 की पावर हो गया 4, लेकिन 8 को खुद हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं मतलब 2 क्यूब लिख सकते हैं, है ना। 8 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज 8 मतलब 2 का क्यूब। अब देखिए यहां पे इस 8 की जगह अगर हम 2 क्यूब लिख दें तो ये देखिए 8 टू दी पावर 4 मतलब ये हो गया 2 क्यूब की पावर 4, 2 क्यूब की पावर 4 इसका मतलब 2 क्यूब को 4 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, सो दिस विल बिकम 2 क्यूब की पावर 4 मीन दिस इज 2 टू द पावर 3 इंटू 4 दिस विल बी 2 टू द पावर 12। और वैसे भी देखिए यहां से हम अगर थर्ड लॉ यूज करते हैं
तो थर्ड लॉ से इसके बाद में हमको ये मालूम है कि 2 to the power a to the power m whole to the power n, दिस इज a to the power m into n, तो यहाँ पे हम सीधे 3 into 4 लिख सकते हैं, इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको. सो दिस विल बी 2 to the power 12, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको आंसर देना है, ठीक है. तो यहाँ पे 3 to the power 7 upon 3 to the power 2 एंड इनटू 3 to the power 5. अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्योंकि डिवीजन है तो हम सेकंड लॉ लगा सकते हैं. सेकंड लॉ से ये हो जाएगा 3 to the power 7 minus 2, तो ये 3 to the power 7 minus 2 हो गया और ये 3 to the power 5 as it is. अब 7 minus 2 is 5, तो ये 3 to the power 5 into 3 to the power 5. अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज कर सकते हैं. ये क्या बन जाएगा, 3 to the power 5 plus 5, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड वी विल गेट 3 to the power 10. ओके, अगला, इसके अंदर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो 6 square into 6 to the power 4. अब यहां पे पावर्स ऐड होगी, ये पावर्स ऐड हो गई 6 की पावर, ये 2 plus 4 मतलब ये 6 हो गई, तो ये 6 की पावर 6 हो गई डिवाइडेड बाय, और यहां पे डिवाइडेड बाय 6 to the power 3. अब यहां पे चूंकि डिवीजन दिया हुआ है तो हम सेकंड लॉ यूज करेंगे, और जब सेकंड लॉ यूज करेंगे तो ये 6 की पावर 6 minus 3 हो जाएगी, और ये 6 to the power 6 minus 3, दिस इज 6 to the power 3, है ना. तो यहां पे हम सेकंड लॉ एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं और इस स्टेप पे फर्स्ट लॉ भी यूज कर रहे हैं. देन कम टू नेक्स्ट वन, थर्ड इज यहां पे देखिए थर्ड लॉ भी यूज करेंगे, करना पड़ेगा हमको यहां पे. तो सबसे पहले थर्ड लॉ यूज करेंगे a to the power m whole to the power n, दिस इज a to the power m into n. तो ये हो जाएगा, देखिए ये वाली टर्म ये हो जाएगी 2 to the power 2 into 3, मतलब 2 to the power 6. तो ये देखिए ये आ गया 2 to the power 6, ठीक है. फिर 3 to the power 6, तो ये 3 to the power 6. अब देखिए यहां पे हम चौथा लॉ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर पावर सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स के जो बेस है ये अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर, ये देखिए 2 into 3 की पावर 6, ठीक है, और इनटू ये 5 to the power 6, ये एज इट इज. लेकिन अब यहां पे फिर से देखिए ये भी पावर फिर से सेम है 6 और 6, इसका मतलब जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो बेसिस मतलब ये 2 into 3 यहां पे था और इधर 5 था, तो ये इंटू 5 और होल टू दी पावर हो गई 6, मतलब यहां पे हमने फोर्थ लॉ यूज किया है, और फोर्थ लॉ के हिसाब से अब ये 5 into 2 10 10 into 3, दिस इज 30, सो दिस विल बी 30 to the power 6. ओके, चलिए आगे देखें, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो जैसा अभी हमने सॉल्व एग्जाम्पल देखा था, अब इसको हम यहां पे खुद करेंगे. तो सबसे पहले इन सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज 3 to the power 2 into 3 to the power 4 into 3 to the power 8.
अब देखिए यहां पे सबसे पहले अगर हम दो के अंदर ये लगाएं, तो इन दोनों को अगर एक साथ में लें तो ये हो जाएगा 3 to the power 2 plus 4 इंटू ये 3 to the power 8। सो दिस इज 3 to the power 2 plus 4 is 6 इंटू 3 to the power 8। अब इसमें वापस से फर्स्ट लॉ लगाया तो 3 की पावर हो जाएगा 6 plus 8 मीन दिस विल बिकम 3 to the power 14। एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पे कि अगर आप 2 देखिए ये 2 4 और 8 इनको डायरेक्ट भी ऐड कर देते तो ये 14 आ जाता। मतलब अगर बेस सेम है तो हमने जो फर्स्ट लॉ देखा था कि 8 टू द पावर m इनटू 8 टू द पावर n इज इक्वल टू 8 टू द पावर n m प्लस n, और अगर इसकी जगह 3 वो दिए वो हाँ 8 द पावर m इनटू 8 द पावर n इनटू 8 द पावर p, तो 8 द पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। मतलब सीधे हम सबको ऐड कर सकते हैं, यहां पे दो स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस के। ठीक है, तो नाउ कम टू सेकंड वन। सेकंड वन इज 6 to the power 15 divided by 6 to the power 10। अब देखिए यहां पे चूंकि डिवीजन दिया है इसका मतलब हम यहां पे सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं। सेकंड लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा 6 to the power 15 minus 10, सो दिस विल बी 6 to the power 15 minus 10 is 5। तो ये आ गया इस सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, थर्ड में 3 to the power 4 and whole to the power 3, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे हम थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं, 8 to the power m whole to the power n, दिस इज 8 to the power m into n, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 to the power 4 into 3, मीन दिस विल बी 3 to the power 12, राइट। देन फोर्थ पार्ट, अब यहां पे देखिए ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर ये वाला हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब फर्स्ट वाला लॉ, तो 2 to the power ये हो जाएगा 20 plus 15 एंड इनटू 2 cube, तो दिस विल बी 2 to the power, दिस विल बिकम 35 एंड इनटू दिस इज 2 to the power 3। अब इसमें एक बार फिर से फर्स्ट वाला लॉ लगेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो दिस विल बिकम 2 to the power 35 plus 3, मींस दिस विल बिकम 2 to the power 38, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले देखें फर्स्ट वन। फर्स्ट पार्ट 3 into 7 square into 11 to the power 8 upon 21 into 11 its cube. Now here you will observe this 21 इसको 3 into 7 लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3 into 7 square
into 11 to the power 8 and upon. यहाँ पे ये 21 को हम 3 into 7 लिख सकते हैं and into 11 cube. So this will be equal to 3 है और ये 3 है, या तो हम 3 से 3 को कैंसिल कर दें, और या फिर अगर हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा. देन इनटू, अब यहां पे 7 टू दी पावर, इधर 2 है और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें 1 है, तो 7 की पावर ये हो जाएगी 2 माइनस 1, और इनटू ये 11 की पावर, इधर 8 है और इधर माइनस 3 है, क्योंकि डिवीजन है, इसका मतलब हर जगह हम सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी 3 टू दी पावर 0 इनटू 7 टू दी पावर 1 एंड इनटू 11 टू दी पावर 5, मींस दिस विल बी 3 टू दी पावर 0 इज 1 इनटू 7 इनटू 11 टू दी पावर 5. सो दिस इज द आंसर. ओके, देन कम टू सेकंड पार्ट. Second part is 3 to the power 7 upon 3 to the power 4 into 3 to the power 3. ठीक है? This can be written as 3 to the power 7 upon. यहां पे अगर हम first law यूज करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, मींस दिस विल बिकम 3 टू द पावर 4 प्लस 3, मींस दिस इज 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7, मींस दिस इज 3 टू द पावर 7 माइनस 7, मींस दिस इज 3 टू द पावर 0, सो आंसर विल बी 1. Okay, then come to third part. अब देखिए third part में ये सब की power 0 दी हुई है, तो 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 plus 4 to the power 0. 2 to the power 0 is 1 plus 3 to the power 0 is 1 plus 4 to the power 0 is also 1. क्योंकि हमने देखा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दी हुई है तो वो 1 होता है. ठीक है, so 1 plus 1 plus 1, this is 3, answer will be 3, right? Then fourth part is, अब यहां पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, मींस 2 टू द पावर 0 इनटू 3 टू द पावर 0 इनटू 4 टू द पावर 0, लेकिन 2 टू द पावर 0 इज 1 इनटू 3 टू द पावर 0 इज आल्सो 1 इनटू 4 टू द पावर 0 इज आल्सो 1 एंड 1 इनटू 1 इनटू 1 दिस इज 1 ओनली, तो आंसर विल बी 1, राइट. देन come to this fifth part. Fifth part is 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 multiplied with 7 to the power 0. Lekin 2 to the power 0 hota hai 1 plus 3 to the power 0 is also 1 and into 7 to the power 0 is also 1. Now this 1 plus 1, this is 2 and into 1. So 2 into 1 is 2. Answer will be 2.